हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करे थे। हमें पता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। हमारे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक नंबर है। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, बैकवर्ड जाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 10। इसमें नहीं है, हम देखेंगे इसमें नंबर नहीं है। 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9। यस, इसमें 9 है। तो हम क्या करेंगे, 9 को लिख लेंगे। 9 के बाद 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6 यस 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ पे लिख लेंगे। 6 के बाद 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 यस हमारे पास 3 है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 के बाद 2 है, तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे। तो हमें हमारे पास 4 नंबर गिवन थे, हमने चारों नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो इसी को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाता। अब हम आते हैं असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी छोटे से बड़ा। और हमारे जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमें क्या करना है, छोटे से जाना है। तो सबसे पहले नंबर क्या आएगा, 1। इसमें 1 है, यस इसमें 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 यस इसमें 4 है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 के बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 यस यहाँ पे 7 हमें गिवन है। देन हमने क्या किया, यहाँ पे 7 लिख दिया। 7 के बाद 8, 9, 9, 10 यस हमें 10 नंबर यहाँ पे गिवन है। देन हमने क्या किया, यहाँ पे 10 लिखा। तो इसी तरीके से हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, यानी छोटे से बड़ा 1, 4, 7, 10, और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में 9, 6, 3, 2। तो इसी को कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। थैंक यू।